द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज़ सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी का जनपद हरदोई, प्याज के आसमान छूती कीमतों पर रोक लगाने के लिए हरदोई में मंडी समिति द्वारा एक प्याज बिक्री केंद्र खोला गया है, लेकिन यह केंद्र मात्र सलावा साबित हो रहा है, क्योंकि यह केंद्र शहर से काफी दूर फल एवं सब्जी मंडी में लगाया गया है, जहां शहरवासियों को चाहे वह किसी भी क्षेत्र में रहता हो, प्याज खरीदने जाने के लिए 30 से 40 रुपए तक भाड़ा खर्च करना पड़ता है। सरकार द्वारा प्याज के मूल्य नियंत्रण के लिए खोला गया यह केंद्र हरदोई में मात्र दिखावा साबित हो रहा है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए हरदोई से अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। जो प्याज का गोदाम वो खोला गया है, तो वहाँ जाने के लिए कम से कम 30-40 रुपया खर्चा आ जाता है। इससे बढ़िया जो है 30 रुपये से अच्छा यहाँ 50 रुपये में हम खरीद लेते हैं, यही हमें ठीक है। नहीं मिल रहा, यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, फल मंडी यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से अच्छा है अपनी रेलवेगंज में खरीद लें, क्या फ़ायदा है वहाँ इतनी दूर जाने से, कोई नतीजा तो निकलता है। कितना भाड़ा खर्च करना पड़ेगा? भाड़ा कम से कम 40-50 रुपये खर्च हो जाता है, उतना ही महंगा प्याज हो जाता है। हमारे यहाँ मंडी फल सब्जी मंडी में एक केंद्र प्याज का लगाया गया है, वहाँ पर 30 रुपया प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री हो रही है। अभी तलक 5 दिन में लगभग 5 से 6 कुंटल की बिक्री हुई है, और जिस भाइयों को चाहिए प्याज वो वहाँ से क्रय कर सकते हैं। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।